सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। नाइन्थ क्लास में आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 34। दी हुई रेखा पर 135 डिग्री का कोण प्रकार द्वारा बना। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम एक रेखा लेंगे ए बी, इस रेखा को हम ए की साइड को थोड़ा आगे बढ़ा देंगे डॉटेड, इस तरह से हमने यहां पे एक अर्धवृत्त बनाना है। इस अर्धवृत्त पे हमने जो ये चापे लगाई है, ये जो हमारा पॉइंट आएगा ये है आपका E और ये पॉइंट आपका है D। तो हमने सबसे पहली चाप, बच्चों कितनी डिग्री की होती है दिमाग में रखिए, मैंने बताया था आपको ये है 60 डिग्री की, इसका नाम हमने दे दिया F। अगली चाप ध्यान रखो जल्दी से कितने डिग्री की है, अगली चाप हमारी है G पॉइंट जिसको मैं दे रहा हूँ, ये चाप है 120 डिग्री की। आपने बच्चों साथ साथ दिमाग में भी बात रखनी है। अब हम यहाँ कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, हमने पहली चाप और दूसरी चाप का आधा कर रहे हैं हम, मैंने ब्रीफली आपको बताया था ये हमारा कोण बन रहा है जहाँ हमने 120 का और 60 का आधा किया, ये कोण हमारा बन रहा है 90 डिग्री का। आपने छठी कक्षा में ये सारा पढ़ा हुआ है, ये नाइन्थ क्लास से ध्यान रखिए बच्चों, ये पॉइंट जो हमारा आ रहा है ये है S, ये 90 डिग्री की रेखा है। तो हमने क्या करना है, यदि हमने यहाँ 135 का कोण बनाना था हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आ गया 90, ये भी आ गया 90, देखिए ये हमारे पास है 90 डिग्री दोनों साइड है, हमने एंगल बनाना है 135 का। तो हमें कितना इसमें प्लस करना पड़ेगा, जो हमारा 90 में जो हमारा 135 बनेगा, तो हमने इसमें प्लस करना है 45। ये देखिए ये बना 135, तो 45 कैसे प्लस करेंगे, हमने यहाँ से ये मैं इसको हटा देता हूँ, ये मैथमेटिकली भी होता है ध्यान रखना है बच्चों। हमने क्या करना है, ये आपका एस पॉइंट है, अपने प्रकार उतनी खोल रखी है जितनी पहले से खुली थी, ज़्यादा कम नहीं है। ये हमने चाप लगा दी है 90 डिग्री वाली रेखा से और एक लगाई डी से, इसका क्या मतलब हुआ कि जो ये हमारा कोण है इसका हमने आधा कर लिया है, जब हमने आधा किया तो ये बन गया 135 डिग्री का, क्योंकि 90 डिग्री पहले ही हमारे पास था, 45 हमने इसमें और जोड़ दिया तो ये पूरा कितना बन गया हमारा 135 डिग्री का, और बच कितना गया 45 डिग्री। इस तरह से आपने बनाना है, प्रश्न नंबर 34 है, आप इसको स्क्रीन में भी देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 35 आपका है, प्रकार से समकोण सी ए बी को तीन भागों में बांटो। अब बच्चों आपने यदि परिभाषाएं लर्न कर रखी है तो आप मुझे बता सकते हैं समकोण किसे कहते हैं। सबसे पहले हम इसमें एक रेखा ले लेते हैं ए बी, ए और बी, ये दो नाम मैंने इसके दे दिए हैं, इस रेखा के दोनों सिरों के अलग अलग नाम दे दिए हैं। अब समकोण किसे कहते हैं, दिमाग में बात रखिए कि कितने डिग्री का कोण समकोण होता है, अपना थोड़ा सा माइंड फ्रेश करिए, मैं बना रहा हूँ यहाँ पे समकोण, आप दिमाग में रखिए कि समकोण को कितने डिग्री का होता है, समकोण जिस कोण को हम समकोण कहते हैं वो कोण कितने डिग्री का होता है, दिमाग अपना लगाइए, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तब तक मैं इन चापों के नाम दे देता हूँ, तब तक आप दिमाग में रखिए कि मैं ये कौन सा कोण बना रहा हूँ, ये ई पॉइंट है,
ये आपका F पॉइंट है। समकोण किसे कहते हैं? जो कोण हमारा, शाबाश शाबाश, अपना दिमाग लगाइए बच्चों, कौन सा कोण होता है समकोण? जो कोण हमारा 90 डिग्री का होता है उसको कहते हैं समकोण। शाबाश, जिन बच्चों ने दिमाग में बात रखी थी उनके लिए बहुत बहुत शाबाश, जिन्होंने नहीं रखी थी वो बच्चों याद करो, ये कोण हमारा बन गया समकोण, मतलब 90 डिग्री का। अब हमने इसके अगर तीन भाग करने हैं तो कैसे करेंगे बच्चों? आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री है, ये आपका 60 है, तो हमने क्या करना है, जो ये 60 डिग्री और 90 डिग्री है, सॉरी जो आपका 60 डिग्री है इसका हमने आधा करना है। क्यों करना है? क्योंकि 60 का जब आधा हो जाएगा तो ये कोण हमारा बनेगा 30 डिग्री का, 60 का आधा होता है 30, तो ये 30 का हो जाएगा, तो 30 और 30 60, और 60 और 30 हमारा हुआ 90, तो एक समकोण के तीन भाग कैसे हुए, एक आपका 30 डिग्री, दूसरा आपका है 60 डिग्री, और हम इस रेखा को भी डार्क कर देंगे, नहीं तो लाइन तो लगा ही देंगे, ये हमारा बन गए ए बी, जो समकोण हमारे पास दिया था ये कोण है सी ए बी, इस कोण के हमने भाग कर दिए, इसका नाम हम दे देते हैं जे, इसका नाम हमने पहले ही दे रखा है, इस रेखा का नाम हम दे देते हैं एच, इसको दे देते हैं जी, तो सी ए बी कोण के तीन समान भाग हो गए। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 36। दी हुई रेखा ए बी पर 60 डिग्री का, 120 डिग्री का और 180 डिग्री का कोण प्रकार द्वारा बनाओ। बच्चों सबसे आसान कोण है ये, कैसे आसान है आप अपना दिमाग लगाइए, अगर मैंने कहा है कि आसान है तो ये सच में ही आसान है। अभी कैसे आसान है ये आपने बताना है, अपने दिमाग लगाइए शाबाश, और सोचिए कि ये कोण आपका है। देखो मैं यहाँ नाम ले देता हूँ इसका, यहाँ मैं सेंटर पॉइंट ले लेता हूँ, इसका नाम देता हूँ ए, इसका देता हूँ बी। अब आपको पता है कि कौन सी चाप कितने डिग्री की लगती है। देखिए यहाँ पे मैं एक अर्धवृत्त ले रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो सीधी रेखा होती है, सरल रेखा होती है, वो कितने डिग्री की होती है, अपनी परिभाषाओं को याद करो और दिमाग में बिठाओ बात कि ये कोण कैसे हम इसको हल करेंगे। देखो हमारे से पूछा गया है 60, 120 और 180, इस चाप का मैं नाम दे देता हूँ आई एफ। अब हमने क्या करना है, एक चाप यहाँ से लगानी है जहाँ हमारी चाप कट रही है एफ पॉइंट से, तो ये चाप कितने डिग्री की होती है, जी पॉइंट का नाम दे दिया जी, और इसको हम मिला देंगे, ये पहली चाप हमारी होती है 60 डिग्री की। बार बार एक ही बात मैं बता रहा हूँ, याद रखिए इस बात को, ये रखिए 60 डिग्री का कोण बन गया, इसका नाम हम दे देंगे सी। अब हमने एक चाप और लगानी है जी पॉइंट से, ये हमारी चाप लगी 120 डिग्री की, इसका नाम हम दे देते हैं एच, और यहाँ पे हम ए और एच को भी डार्क मिला देंगे क्योंकि पूछा गया है कि 60 डिग्री का, 120 डिग्री का, 180, तो यहाँ से ये जो कोण बना हमारा, ये बना 180 डिग्री का। तो मैं आपको अलग से भी मेंशन करके बताता हूँ, तो ये देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, ये जो कोण बन रहा है ये बना 60 डिग्री का। एक चाप और मैं लगा देता हूँ बड़ी सी, इस तरह से, अब आप समझ जाएंगे कि ये इतना सा कोण है 60 डिग्री का, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कोण है 120 डिग्री का, और ये पूरा कोण है ये है 180, रेखा होती है ये हमारी 180 डिग्री की होती है।